हेलो जी, दिस इज़ मी नूर जैन। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो जी, आप लोग को थंबनेल देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज मैंने आप लोगों से क्या शेयर करना है। तो मैं आप लोगों से आज अपनी बेबी की ड्रेसिंग शेयर करने वाली हूँ जी। तो आज मैं गई थी बेबी की शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने कहा सोचा कि मैं अपनी बेबी की सारी शॉपिंग आप लोगों से शेयर करूँ, और होपफुली आप लोगों को मेरी बेबी की ड्रेसिंग सब बहुत अच्छी लगेगी। और मैंने कहा चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कलेक्शंस और किस तरह के आजकल ट्रेंडिंग पे आए हुए हैं ड्रेसेस। और मतलब अच्छा, मैं इसमें से कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो कि रैंडम उठा के ले आई हूँ, जैसे कि ये विदाउट स्लीव्स, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो कि मैं मतलब मुझे जो अच्छा लगा मैं उसके अकॉर्डिंग ले आई हूँ। तो मैं आप लोगों से अपनी बेबी की ड्रेसेस वगैरह सब कुछ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं बेबी की ड्रेसेस भी लाई हूँ, उसके अलावा शूज़ भी लेकर आई हूँ, और कुछ जो है इसके लिए बोझ लाई हूँ, सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी। तो जी, ये देखिए आप। अच्छा जी, पहले तो मैं आप लोगों से वो शर्ट शेयर करना चाहूँगी जो कि मैंने सबसे पहले लिए। इकट्ठी मैंने 3 शर्ट्स परचेज की थी एक ही ब्रांड से, तो आप लोगों से मैं पहले वो शेयर करती हूँ। तो जी, पहली शर्ट है ये देख लें, इसके ऊपर ये स्टार्स लगे हुए हैं, और ये बहुत क्यूट से बच्चों के लिए। अभी तो मेरी बेबी छोटी है, लेकिन जब वो बड़ी होगी तो इससे आई थिंक वो खेलेगी। तो जी अच्छा, एक ये शर्ट है पर्पल और वाइट कलर का, इसका मतलब कि वो है कलर है इसमें मतलब, और ये काफ़ी अच्छा स्टफ़ है, और देख सकते हैं आप लोग स्टफ़ चेक कर सकते हैं आपके कितना अच्छा, और सर्दी के लिहाज से बिल्कुल बेस्ट है। और ये इस पर डिज़ाइनिंग की हुई है। तो जो ये इसकी बैक साइड है, अच्छा जी। तो सामने से मिरर थोड़ा साइड पे करना पड़ा क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं मेरा फेस ना दिख रहा हो आप लोगों को, और मेरी डॉटर ने भी शोर करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं चुप कराने के लिए चलेगी। तो जी, बीच में अच्छा जी, सेकेंड मैं अपना ड्रेस दिखाती हूँ आपको बेबी का। तो जी, सेकेंड जो है शर्ट वो ये है, जैसे थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है, बड़ी 3 से 4 मंथ बच्चों के लिए ठीक है, परफेक्ट है। तो जी अच्छा, मैं उसकी प्राइस बताना भूल गई। तो ये शर्ट्स जो हैं, इनकी ज़्यादा प्राइस नहीं है, बस 1100 की दोनों शर्ट्स हैं, ये और इसके अलावा जो एक और है वो भी ठीक है। और उनके साथ मैंने एक मतलब कि एक ट्राउज़र भी लिया था एक ही ब्रांड से, वो भी दिखाऊंगी आपको। अच्छा जी, ये शर्ट है, इसके ऊपर बहुत लाइट सा, और करीब से दिखाती हूँ आपको। ये शर्ट है, इसके ऊपर ये ऐसे पॉकेट्स सी बनी हुई हैं, और ये इसके इसके भी ऐसे स्लीव्स हैं। तो ये भी विंटर कलेक्शन के लिए है, मतलब विंटर में वेयर करने के लिए है। तो जी, स्टॉप बहुत अच्छा है ये, अच्छा एक्सक्लूसिव। तो जी, ये शर्ट भी मैंने सेम प्राइस में ली थी, और कोई ख़ास जी। तो ये दोनों शर्ट्स मैंने सेम ब्रांड से ली थी, और इसकी भी प्राइस वही 1100 ही है। अच्छा जी, ये जो ब्रांड है एक्सपोसिटी, ये ब्रांड बहुत रेजनेबल है बहावलपुर में। तो जी, यहाँ से आप जब भी शॉपिंग करेंगे, आप एक तो वैरायटी, उसकी क्वालिटी और प्राइस, तीनों चीज़ें बेस्ट मिलेंगी, और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ पे बहुत क्वालिटी है चीज़ों की, और बहुत बड़ा ब्रांड है, और मतलब कि उसमें हर तरह की हर चीज़ अवेलेबल आराम से हो जाती है। तो जी, ये शर्ट देख लीजिए, ये है वाइट कलर की शर्ट है, तो क्रीम क्रीम से कलर है इसका। और ये देखें, इसके स्लीव्स पे लाइट सा ना नेट वर्क किया हुआ है, ये देखें नेट लगी हुई है इसके ऊपर, बहुत प्रिटी सी है। ये तीनों शर्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने एक दफ़ा में तीनों शर्ट्स ले ली थी कि ये पहनी भी बहुत अच्छी लगेंगी इसलिए। तो जी, इसकी भी सेम ही प्राइस है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये भी देखें, वहीं से ही ले थे एक्सपो से, इसका फ्रंट बैक दोनों का सिंपल ही है। अच्छा जी, अच्छा पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपनी बेबी की जो है वो ड्रेस वगैरह, मतलब कि उसकी ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद मैं आपको रोम्पर्स दिखाऊंगी, मुझे रोम्पर्स बहुत पसंद है बच्चों के, तो आप कहेंगे यार इतने रोम्पर्स ले आई है, तो मैं रोम्पर्स बहुत ज़्यादा बच्चों को वेयर करती हूँ, मतलब अपनी बेबी को वेयर करवाती हूँ। अच्छा, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। ये तीनों शर्ट्स मैंने साइड पर रख दी हैं जी। तो अब बारी आती है ये वाला ड्रेस,
तो जी ये ड्रेस है, ये आई डोंट नो किस ब्रांड से लिया था, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने परचेज़ कर लिया। तो इसके स्लीव इस तरह के हैं, ये थोड़ी सी सर्दी मतलब ज़्यादा सर्दी हो जाए तो उसके लिए ज़्यादा ये मतलब कि इसका इसको वेयर कर सकते हैं। तो ये मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था, ये मेरी बेबी के पास ये वाला कलर नहीं था। इसका ट्राउज़र बहुत अच्छा है, इसका ट्राउज़र मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी ये देखें, इसकी क्वालिटी आप चेक करें, इसका डिज़ाइन चेक करें, दोनों बहुत मज़े की हैं। और दूसरी बात क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी स्टफ़ बहुत अच्छा है इनका। ये भी एक्सपो से ही लिया था मैंने। तो ये इसके ऊपर से कैप है, सेम वे स्टफ है। अगर ट्रैक सूट भी यूज़ कर सकते हैं फुल सर्दी वाले माहौल में। अच्छा ये हो गए फोर ड्रेसेस हो गए बेबी के, और उसके बाद हैं जी अच्छा बाकी रूम पर जाएगा आई थिंक। अच्छा उससे पहले एक और फ्रॉक है, मैं वो दिखाती हूँ, मुझे बहुत क्यूट सी लगी थी, मैं फ़ौरन से ऑन स्पॉट ले ली। अच्छा ये देखिए फ्रॉक, ये इसके ऊपर बहुत बारीक सा चिकनकारी हुई हुई है, कैसे जूम करूँ, ये देखें जी इसके बहुत बारीक चिकनकारी हुई है। कपड़े का स्टफ़ चेक करें, कितना प्यारा और सॉफ्ट स्टफ़ है ये। अच्छा ये इसकी वैसे ये समर में पहनने के लिए तो नहीं है और विंटर पहनने के लिए तो नहीं है, लेकिन चलो मैं समर में पहन लेगी। तो ये देखें इसके अंदर से इनर भी है इसकी डबल, और इसकी ना स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई हुई थी तो मैंने फ़ौरन से ले ली। देखिए इस तरह की बटरफ्लाई लगी हुई है, और ये इसका नेक है। तो अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मतलब कि ये देखें क्लोज इसका गला देखें, इसका नेक बहुत खूबसूरत लगा था मुझे, और ये बटरफ्लाई भी। तो जी ये इसकी बैक साइड है, होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा मेरी ड्रेस कलेक्शन। सब ड्रेस कलेक्शन ही मेरी शॉपिंग, ड्रेस कलेक्शन तो मेरी अलग है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो भी आप लोगों को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है जी। तो जी उसके बाद है ये ट्राउज़र, जो कि मैंने ये भी एक्सपो से ही लिया था, मैंने उन्हीं शर्ट्स के साथ, ये वाइट शर्ट के साथ लिया था। अच्छा ये ट्राउज़र ऐसा है कि जो तीनों शर्ट के साथ मैच कर रहा था तो मैंने ले लिया कि सूट करेगा। अच्छा ये लाइट पिंक सा कलर है इसका, ये कैमरे में थोड़ा सा ये गाजरी गाजरी सा लग रहा है, रेडिश सा। तो जी ये देखिए थोड़ा डार्क लग रहा है, लेकिन ये ऐसे में बहुत लाइट लाइट सा कलर है। ये ट्राउज़र का फ्रंट है और ये बैक है इसकी, स्माइली सी बनी हुई है इस पर। ये विंटर स्टफ़ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा इसकी प्राइस भी सेम शर्ट जितनी ही 1100 का ही है ये भी ट्राउज़र। अच्छा अब प्राइस देख के आप लोग अंदाज़ा हो गया, क्वालिटी देख के और उसकी प्राइस देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि ब्रांड एज़ कम्पेयर टू इट्स क्वालिटी कोई इसकी वो नहीं है, इसकी प्राइस मैटर करती ही नहीं है, जो कि इसकी क्वालिटी है। अच्छा जी उसके बाद आ जाती है बारी मेरे रोमपर्स की बेबी के। ओके तो नंबर वन है, हो ये स्टक हो गया जी, नंबर वन रोमपर है ये। अच्छा जी ये स्टफ़ देखिए, हम वाइट कलर है, इसमें ब्लू कलर के फूल बने हुए हैं, और ये पत्ती है आई थिंक, ये पता नहीं लेमन है, ये लेमन बने हुए हैं इसके ऊपर येलो कलर के। ये स्लीव्स हैं इसके क्यूट से। अच्छा स्लीव्स दिखाती हूँ आपको मैं, स्टक हो गए ये। अच्छा जी ये देखें स्लीव्स आप चेक कर लें, कभी आपको ड्रेस में बनाने पड़ जाएँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितने क्यूट से स्लीव्स हैं इसके। देखें जी, अच्छा ये कहाँ से लिए थे मैंने, सो क्यूट, ये मैंने लिया था। अच्छा ये भी मैंने एक्सपो से ही लिया है, तो जी देख सकते हैं ये जी, ये देखें कलर क्वालिटी देखें आप, से कलर देखें, इसकी प्राइस देखें, इसकी प्राइस बहुत कम है इसकी क्वालिटी के हिसाब से, आप देखें कितना क्यूट लग रहा है ये। अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने रोमपर, मुझे लगती है अच्छे हैं तो रोमपर जब भी लेने जाती हूँ तो बस दिल चाहता है सबके सब ले लूँ, तो फिर ले आती हूँ आराम से। रोमपर्स की तरफ चलते हैं,
तो ये है रोमपर एक, ऐसे ये है थोड़ा बड़े बच्चे के लिए, मतलब 6 से 7 मंथ के बच्चे के लिए। तो ये देखिए जी, देख रहे हैं। अच्छा ये मैंने कहाँ से, मैंने हॉपस्कॉच से लिया था, हॉपस्कॉच भावलपुर में ही है और मतलब इधर हॉकी सेंटर के साथ ही है। इसकी प्राइस बहुत रिजनेबल ही है, इसकी प्राइस है 1890, 1890 रुपये का था ये। तो यार मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने फ़ोन परचेज़ कर लिया ये। ये देखिए इसका कलर देखें आप इस पे, ये ग्रेप्स कलर है, लाइट ग्रेप्स, मतलब ये स्काई ब्लू सा मिक्स मिक्स सा कलर है इस पे, और वाइट डॉट्स इस पे निशान, मतलब वो बने हुए हैं डॉट्स, बने हुए हैं सर्कल्स बने हुए हैं। तो इसकी ये देखिए सिंपल नहीं है इस पे, इन्होंने ऐसी वो प्लास्टिक डाल के चुन डाली हुई है। ये देखें जी कितना क्यूट है, अगर इसके साथ वाइट मतलब वो पहनी हुई हो, जोगर्स पहनी हुई हो, स्नीकर्स हो, तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगा ये। तो जी अभी मेरी बेबी छोटी है तो उसके हिसाब से मतलब शूज़ बहुत कम ही मिलते हैं छोटे न्यू बॉर्न के लिए, तो अभी 2 मंथ्स की ही है तो इसलिए। बट ये कि मैं अब ट्राई किया है कि मैंने कुछ इस टाइप की सॉक्स ले आऊँ कि वो शूज़ की कमी पूरी कर दें। अच्छा जी, अच्छा जी देख लें दोबारा से कि हॉपस्कॉच से लिया था मैंने। और ये इसका फ्रंट देख लें जी, इस तरह से बटन लगे हुए हैं इसके फ्रंट पे, और ये देखें डिज़ाइन देख लें। अच्छा आप लोगों ने सिंपल से अगर स्टिच करना हुआ था तब भी आप डिज़ाइन देख सकते हो। उस टाइम मैं जब लेने गई थी तो वहाँ ब्रांड मैंने वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा शायद कभी वो लोग मना ही ना कर देंगे यार यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, तो इसलिए। अच्छा खैर, और ये देखें जी ये फ्रंट है इसका, ठीक है। यहाँ पे भी वही इलास्टिक सी लगी हुई है, मतलब डिज़ाइनिंग हुई हुई है, चुनट सी डली हुई है, और ये बहुत क्यूट सा लगा था मुझे, कलर बहुत अच्छा लगा था इसका। सब आप कलर देखेंगे, कोई भी खट्टा मीठा वाला कोई कलर नहीं है, सब डिसेंट कलर हैं और बहुत क्यूट से कलर हैं। और ये भी मतलब कि स्टफ़ जो है ये विंटर वेयर के लिए इजीली है, बट इसके स्लीव्स का इश्यू है, इसके स्लीव्स जो है वो छोटे हैं, बट ये कि हाई नेक वेयर करेंगे तो शायद चल जाए, तो या फिर इसके जैकेट हो चल जाएगा, बट देखते हैं ट्राई करेंगे जो अच्छा लगेगा वो कर लेंगे एक साथ। अच्छा जी, तो जी थर्ड वन है ये वाला जी, हम लेकर आए थे हस्बैंड की फरमाइश पे, तो मतलब कि उनकी पसंद है, उनकी चॉइस है, फरमाइश तो नहीं हो सकती थी छोटी सी, बट ये उनकी चॉइस पे है से लिया था मैंने, तो मुझे ठीक लगा था, ज़्यादा नहीं बस सही लगा था, क्योंकि ये जो कार्टून्स थे ना ये मुझे कार्टून ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगा, अट्रैक्टिव नहीं लगा, क्योंकि मुझे ड्रैगन वाले कार्टून पसंद ही नहीं है। अच्छा जी, तो ये हमने लिया था, अच्छा नूर ब्रांड से लिया था, और इसकी प्राइस है 2150, ठीक है जी। तो इसके ऊपर जी लिखा हुआ, हाँ। अच्छा जी, ये है फुल विंटर स्टफ़ है, इसके अंदर आप देख लें अमेरिकन रूडल डिलीवरी आई थी, ये अपना स्टॉफ ऐसा है इसका। ये हमने तो कभी ज़ाहिर अब फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस है बेबी के लिए, बेबी का तो पता नहीं होता चीज़ में क्या डला हुआ क्या नहीं, बट ये कि कोशिश करती हूँ कि अब अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा ही चीज़ लेकर आऊँ, तो सारे शौक पूरे हो जाते हैं मेरे। अच्छा मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है ड्रेसिंग पे, तो शादी से पहले मेरा ज़्यादा फोकस होता है शूज़ पे, अब मैं शादी हो गई है तो अब शादी के बाद सबसे ज़्यादा मेरा फोकस होता है ड्रेसिंग पे, बस ड्रेसेस अच्छे हों, और मैं अब अपनी और अपने बेबी की शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपनी भी ड्रेसिंग आपको ड्रेसिंग कलेक्शन दिखाऊंगी किसी दिन। अच्छा जी, तो ये पीच सा कलर है, ये देखें जी बिल्कुल लाइट सा पीच सा कलर है, कलर बहुत प्यारा लगा था मुझे इसका ना, इसी के अकॉर्डिंग भी इसी के अकॉर्डिंग शूज़ हैं, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी जी। तो ये देखिए चेरी बनी हुई है इस पर, और ये इसकी बैक साइड है, मतलब न्यू बॉर्न हो या फिर 2 से 3 मंथ्स का बेबी हो तो ये उसको आराम से इजीली पूरा आ जाएगा, पहले मुझे लगा था बड़ा है, बट ये मैंने ट्राई किया आज पहना के तो ये बहुत सूटेबल रहा है, तो क्योंकि और ये इसका ये है कि बच्चे को कंबल में लपेटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका उसका हेड उसकी मतलब गर्म हो और उसने ये पहना हुआ और शूज़ हो बस, उसके अलावा जहाँ मर्जी घूम लो, ये इतना अच्छा स्टफ है कि अब ठंड नहीं पहुँचेगी बच्चे तक। अच्छा इसके अंदर बीप भी है,
मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये इसके साथ ही भी वह क्यूट सी। अच्छा जी, होपफुली आपको ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। नॉट बैड, वैसे अच्छा है। जब मैंने सब ड्रेस जैसे खड़े करके नहीं दिखाया ना, ज़्यादा अच्छे लगता है वैसे। अच्छा जी, भी आगे करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये भी रोम पर ऐसे कलर देखिए, कितने मज़े मज़े कलर हैं और कितना मतलब कि कलरिश सा ये रोम पर है। इस टाइप का मेरा कुर्ता भी है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेबी का भी इसी टाइप का कोई ड्रेस ले आऊँ, ताकि दोनों जब वेयर करेंगे तो दोनों इकट्ठे वेयर करेंगे। अच्छा, इसका भी स्टफ़ जो है वो समर में पहना जा, विंटर में पहना जा सकता है, तो बट ये है कि इसका वही स्लीव का ही इशू है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ मुझे फुल बाजू वाले से रोमपर्स मिल जाएँ, लेकिन स्लीव जो होते हैं बस मिस हो ही जाते हैं अक्सर। अच्छा जी, इसका भी जुगाड़ लगा लेंगे कोई ना कोई, जुगाड़ लगाने में तो वैसे ही माहिर हूँ मैं। अच्छा जी, ये भी रिजनेबल प्राइस में है बिल्कुल, इसकी कोई प्राइस ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल 1000 या 1100 की रेंज में आई थिंक ये। ये देखें जी, कलर देखें बस आप इसमें, ग्रीन, सी ग्रीन, येलो, पिंक, वाइट, ऑरेंज, कितने खूबसूरत से कलर हैं, एक मतलब कि बहुत क्यूट से। अच्छा जी, अच्छा ये वाला देखें, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। इसके बाद ये दिखाऊंगी आप लोगों को, ये देखें जी, ये रोमपर देखें, ये लाइट सा येलो सा कलर है और बहुत मेरा फेवरेट वन येलो सा कलर है ये। अच्छा, ये भी विंटर स्टफ़ नहीं है, ये समर स्टफ़ ही है, मतलब थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम में पहनने के लिए है। तो ये देखें जी, ये इसके स्लीव्स हैं और ये इसका नेक है। ये देखें, इस तरह से गोल सा गला है और इस तरह स्टिचेस वो लगे हुए हैं, बटन लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, 4 बटन लगे हुए हैं साइड पे, ये देखें लगी हुई हैं इधर और एक इधर। फिर इसके ये ट्राउजर वाला पार्ट है जी, ये देखें कितना क्यूट सा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था पहली नज़र में, मतलब चला गया था। ये लिया है मैंने सईद गनी से, लिया है अल सईद से लिया है मैंने ये नैनन बेबी, ठीक है जी। ये लिया था मैंने 1590 मतलब 1600 का। तो जी, ये इसकी बैक साइड है, अच्छा बैक साइड पे भी ये देखें, ये सिंपल नहीं है, बैक साइड पे प्लेट्स भी नहीं है, ये प्लेट्स इस तरह इस टाइप के हैं कि ऊपर से नीचे तक ये प्लेट्स जा रही हैं। और ये देखें जी, ये भी 5 से 6 माह के बच्चे को आराम से आ जाता है, आ सकता है, ठीक है। ये इसका बैक साइड है। अच्छा जी, उससे नेक्स्ट है ये मुझे बहुत क्यूट लगा था तो मैंने फ़ौरन से ले लिया। ये देखें जी, इस पर वाटरमेलन बना हुआ है, तो क्यूट सा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो सिंपल बस ये ऐसे ही वाइट कलर का है, और ये थी बैक आई थिंक, ये फ्रंट है सिंपल सा वाइट कलर में, सिंपल इसमें स्लीव्स हैं और दैट्स इट। इसे समर वेयर के लिए है ये भी, सिर्फ रोमपर्स ही समर वेयर के लिए ज़्यादा ही होते हैं। इसमें वही बटन्स लगे हुए हैं और ये इसका गला है, देखें जी, आई थिंक ये फ्रंट है, पिछली बैक वाली साइड ये है, क्योंकि मुझे फ्रंट ये वाला रखना है, तो मैं इसको फ्रंट ही कहूँगी, उसको बैक नहीं, उसको बैक बनाऊँगी। तो ये देखें जी, अच्छा लास्ट ड्रेस है वो दिखाती हूँ हम लोगों को, वह ये ड्रेस देखिए आप, कितना क्यूट सा ड्रेस है। ये इसकी बैक साइड है। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस का
अच्छा 900 के करीब इसकी प्राइस है, 900,000 बस, बहुत रिजनेबल है। कलर आप देखिए कितना फ्रेश ऑरेंज का सा कलर है ये। अच्छा ये मैंने परचेज़ कहाँ से किया था, मुझे अभी तो याद ही नहीं है। जब आप ज़्यादा सारी शॉपिंग कर लो ना ऐसे याद रहते ही नहीं है। अच्छा ये मैंने मैंने कहाँ से लिया था, नोट से लिया था आई थी। आई थिंक ये नोट से या सईद गनी से लिया मैंने, ठीक है जी। और मुझे बहुत इफेक्टिव लगा था तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। वैसे भी मैंने एक दो जगह पे ट्रेंडिंग देखा था ये पहनावा काफ़ी बच्चों को, तो मुझे काफ़ी स्वीट सा लगा वो, तो मैंने अब देखा कि मैच कर गया वैसे का। अच्छा जी एक ये परचेज़ किया मैंने शोल्डर बेल्ट, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, कोई भी शॉर्ट्स पे भी नहीं पहने हो या फिर पैंट और शर्ट हो तो उसके साथ बहुत सूट करती है। मुझे बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं पहनते हुए, मतलब क्यूटनेस ही आती है इनके अंदर एक। अच्छा जी इसके बाद बारी आती है ये सॉक्स की, तो मैंने कहा सॉक्स भी आज शेयर करती हूँ। ये सॉक्स जो है क्यूट बहुत लगी थी, बाबी स्टाइल में है, देखें जी कितनी क्यूट है ये। इस पे से नेट लगी हुई है और बीच में बटरफ्लाई सी बनाई हुई है छोटी सी, देखने हैं जी कितनी प्रीटी है। और कोई हैवी प्राइस नहीं है इसकी, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में है। अच्छा ये वाली जो शर्ट है वो इस मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रही है, ये जो मैंने दिखाया था इस ड्रेस के साथ, बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रही है। और अच्छा इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस ओनली 500, 490 का 500 है, ठीक है जी। इसके बाद है ये, ओहो इसके बाद बारी आती है जी इसकी, ये देखिए आप कितनी क्यूट सी इसके ऊपर सी एप्पल बना हुआ है, ग्रीन एप्पल, और ये ऑरेंज नीचे ब्लू कलर का, कितनी क्यूट है ये। वैसे इसके साथ चल सकती है इस ऑरेंज ड्रेस के साथ, वैसे ये कलर तो इसमें काफ़ी सारे हैं तो किसी भी ड्रेस में चल सकती है। सॉक्स तो मैं बहुत सारे लेकर आई हूँ, बट ये नेट वाली सॉक्स, फैंसी सॉक्स मैं लेके नहीं आई थी, तो मैं फैंसी सॉक्स अब लेकर आई हूँ दो, मुझे बस यही अच्छी लगी, काफ़ी सारे कलेक्शन में से तो मैंने ये दोनों परचेज़ कर लेते हैं। अच्छा जी ओके, और एक मेरा ड्रेस आया हुआ था, सोचा मैंने आप लोगों को मैं आप शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये देखिए मैंने स्टिच करवाया है बिल्कुल सिंपल। अच्छा जी तो मैंने ये ड्रेस ऑनलाइन ही परचेज़ किया था, तो बस ये स्टिचेस के लिए दिया हुआ था, तो मैंने स्टिच होके आ गया, तो मैंने सोचा कि यार ये भी साथ ही मुझे बैग मिल गया, शॉपर मिल गया, तो मैंने कहा चलो ये भी आपसे शेयर कर देते हैं। तो जी ये मेरा ड्रेस है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले नेक, ये इस तरह से बैन वाला गला है इसका, और ये ऐसे पट्टी जा रही है, ऐसे ख़ास नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ से इस तरह कट है इसका। और मेरे इस ड्रेस का फ्रंट आप देखिए, फ्रंट शॉर्ट है और बैक जो है वो थोड़ी लंबी है, तो जी ये देखिए। अच्छा इसके साथ ब्लैक कलर का दुपट्टा है, और ये ट्राउज़र, उसके ट्राउज़र भी दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी ये इसका ट्राउज़र है, तो आजकल ट्रेंडिंग में ही है ये चीज़ें, तो ये स्टफ सेम प्रिंट मैं ज़्यादातर यही पहनती हूँ काफ़ी टाइम से। ट्रेंड तो शायद अभी शुरू हुआ होगा, मतलब 6 महीने साल पहले, तो मैं तो काफ़ी टाइम से ही पहन रही हूँ। अच्छा इस तरह से फोल्ड हुआ हुआ है ये डिज़ाइन, आप लोग देख लें, अगर अच्छा लगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह से फोल्ड हुआ हुआ है और ये पैंट नुमा सिला हुआ है। ये ट्राउज़र देख लीजिए, ये यहाँ से इलास्टिक है, और ये सिंपल प्लेन है, पैंट नुमा ही है, क्योंकि ये ज़रा पेट में चुभती है, तो मैंने सोचा कि ये हटवा देती हूँ। तो मैं ट्राउज़र पे सब ट्राउज़र में ये चीज़ यहाँ फ्रंट से मतलब कि चुभे ना, ताकि इसलिए मैं ये बेल्ट हटवा देती हूँ। अच्छा उसने मतलब कि एक मेरी बेबी के लिए भी ड्रेस स्टिच किया, तो सोचा वो भी दिखाती हूँ आपको। मुझे अभी निकला सामने से, मैंने कहा शेयर करते हैं, अभी आपसे ये क्यों रह गया पीछे। तो जी ये देखें बहुत क्यूट सा है, मैंने कहा जब मैं पहनूंगी तो मैं इसको भी ज़रूर वेयर करवाऊंगी। ये देखें जी इसका गोल सा गला है, पीछे स्टिचेस लगे हुए हैं, और ये देखें जी स्लीव्स हैं, बहुत क्यूट सा है ये। अच्छा तो आज की शॉपिंग बस मेरी इतनी ही थी, तो होपफुली आप लोगों को मेरे ड्रेसेस मतलब बेबी के ड्रेस, अच्छा होपफुली आप लोगों को बेबी के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे हों। तो जी अब टाइम होता है इनको संवार के रखने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने कबाड़ा कर दिया है। तो जी अपना ख्याल रखिएगा, और मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे, और मेरी बेबी के ड्रेसेस की कलेक्शन अगर आप लोगों को मतलब शॉपिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़
लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। और जी अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।